तो गाइस ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर डक्स जो है मेल भी और फीमेल भी, ये देखें ये फीमेल है और वो मेल है। तो ये चिकन्स के साथ इकट्ठी है, लेकिन इनको अभी मैंने अलग ही कर दिया है, साथ में एक और कैज बना दिया है, तो उसमें अभी मैं अलग कर दूँगा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो यार मैंने यहाँ पर जो है 2 केजेस कर दिया है अभी, एक चिकन्स के लिए और एक जो है डक्स के लिए। तो ये वाला केज जो है यहाँ पर, ये वाला मैंने जो बनाया था, ये सब यहाँ पर मतलब मिक्स रहते थे, डक्स भी और चिकन भी। अभी रिसेंटली जो है मैंने ये वाला बनाया है, एक बड़ा मास्टर केज बनाया है। तो यहाँ पर सिर्फ चिकन्स हो जाएंगे, ठीक है, और अभी भी डक्स की जो है 4 महीने कंप्लीट होने वाले है, और 4th मंथ के बाद जो है वो अंडे देने लगती है। तो यहाँ पर अभी साइड पर मैं इनके लिए अंडों के लिए भी सेटिंग करूँगा। तो ये एरिया जो है, ये वाला केज डक्स के लिए हो गया और ये वाला चिकन्स के लिए। तो मेन रीज़न जो है मैंने अलग करने की, एक तो ये थी कि यहाँ पर डक्स जो है एग्स देंगे, और दूसरा रीज़न ये था कि यहाँ पर जो है डक्स जितने भी पानी पीती है तो वो चिकन्स के लिए गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने इनको अलग कर दिया है। तो यहाँ पर एक चिकन जो है काफ़ी बीमार लग रहा है, ये देखें। तो फिलहाल मैं इसको बाकी चिक्स जो है, ये देखिए इसके साथ ही होता है, तो इनसे अलग कर दूंगा, क्योंकि इसका जो बीमारी है वो इनको भी लग सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको सेपरेटली कर दूंगा। तो डक्स को मैंने अलग कर दिए हैं, लेकिन ये वापस जो है अपनी केज में चिकन्स के साथ आ जाते हैं। ये भी मतलब 1 डे के थे और इनके साथ बड़े हुए हैं, तो ये देखें कितने आराम से जो है चिकन्स के साथ बैठे हुए हैं। इनको मैंने यहाँ पर रखा भी है, बंद भी किया है, लेकिन जब छोड़ देते हैं तो वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो एंड टाइम पे मैं वीट खिलाता हूँ, क्योंकि रात के वक्त फिर जो एग्स प्रोडक्शन होती है तो वो सुबह फिर अंडा ईजिली दे देते हैं। तो इनका खाना जो है मैंने डाल दिया है, अभी वहाँ पर जो है पानी पीकर, वैसे भी अंधेरा होने वाला है, ये दरवाज़ा जो है मैं थोड़ा सा खोल देता हूँ ताकि इधर ही खुद फिर अंदर जाके सो जाएं। और डक्स को भी मैं 1-2 दिन जो है ख़ुद ही बंद कर दूँगा उसी केज में, ताकि इस केज में जो है चिकन वाले केज में यहाँ ना आ सकें। तो इनको मैं अभी वहाँ पर बंद कर देता हूँ। तो ये देखें दोनों डक्स को जो है, ये मेल और ये फीमेल, इनको मैंने यहाँ पर अभी बंद कर दिया है। जैसे ही अंधेरा होगा तो मैं ये डोर जो है ये बंद कर देता हूँ, ताकि उस केज में ना जा सकें। इधर ही मैंने बंद कर दिया था, लेकिन फिर से बाहर आ जाते हैं। वो दूसरा जो फीमेल है वो वहाँ पर चला गया, इसको मैंने दोबारा बंद कर दिया, लेकिन दोबारा आ गया। ये जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक केज में नहीं जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड डेली व्लॉगिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।